नमस्कार। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज का जो प्रश्न है वो आपका चिंतन से रिलेटेड है। जो आपका एक टर्म दिया हुआ है सिलेबस में सीटेट के, भाषा और चिंतन, तो उसमें चिंतन से रिलेटेड मैं एक प्रश्न लेके आई हूँ। ये आपके हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, अर्थात चिंतन के बारे में पूछा कि कैसी गतिविधि या कैसी प्रक्रिया है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, संज्ञानात्मक गतिविधि और मनोगतिक प्रक्रिया। आप अपने दिमाग में एक ऑप्शन फिट कर लीजिए जब मैं इसका आंसर बताऊं, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि आप कहां पे पहुंचे। चिंतन के बारे में हम जानते हैं कि चिंतन क्या होता है, जो भी इसकी प्रक्रियाएँ होती हैं, कितने स्टेज होते हैं, और चिंतन का हमारे मस्तिष्क से क्या रिलेशन होता है। तो हम ये जानते हैं, पहला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता कि क्रियात्मक गतिविधि है, क्योंकि क्रियात्मक जो आपका क्रिया से रिलेटेड, यहाँ पे संक्रिया नहीं, यहाँ पे क्रिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड है, तो चिंतन एक्टिविटी से नहीं होता। दूसरा है भावात्मक व्यवहार, तो भावात्मक व्यवहार तो चिंतन से रिलेटेड है, लेकिन चिंतन के फलस्वरूप या चिंतन के पूर्व उसका कारण होता है, लेकिन चिंतन ही भावात्मक व्यवहार डायरेक्टली नहीं कहा जाता। तीसरा है आपका संज्ञानात्मक गतिविधि, तो ये हो सकता है कि हाँ संज्ञानात्मक गतिविधि चिंतन होता है। और चौथा है आपका मनोगतिक प्रक्रिया, तो मनोगतिक जिसमें मन और गति दोनों हो, तो मनोचालक जैसे आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इंद्रियों के सहभाग से मन के जो विचार हैं उनको व्यक्त करना, तो उसमें गति चिंतन में तो आपने नहीं देखा होगा। चिंतन आप एकदम सुन से बैठे हुए हैं, तब भी आपके दिमाग में कुछ न कुछ थॉट चलते रहते। तो अगर इन सब में देखें, अगर सिर्फ भावात्मक होता तो हाँ आप चिंतन करते, उसके फलस्वरूप भावात्मक आपकी प्रक्रियाएँ होती हैं, लेकिन चिंतन भावात्मक एकदम डायरेक्टली एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ जो आंसर है वो आपका संज्ञानात्मक गतिविधि, क्योंकि यह मानसिक प्रक्रिया होती है और इसके प्रॉपर स्टेज होते हैं। प्रकार आप इसके दो जानते हैं, परंपरागत या गैर परंपरागत, या अपसारी और अभिसारी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि चिंतन जो भी है टोटली वो एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें जिसको हम संज्ञानात्मक गतिविधि कह सकते हैं।